हेलो गाइस, मैं पवन जेपीएस एंटरप्राइजेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज भी जो अपना बिल्ट है वो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में हम लोगों को कहा गया था कि कुछ ओपन कैबिनेट रखनी है और ओपन कैबिनेट में वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं करना है, लिक्विड कूलर पे ही जाना है। और लिक्विड कूलर पे प्रोडक्ट अल्टीमेट चाहिए जो कि मैक को किसी भी मामले में पीछे ना रहें, उनसे आगे ही रहें, चाहे मॉनिटर की बात हो चाहे सिस्टम की बात हो। तो हम लोगों ने बड़े देर विचार किया, कम से कम 4 बार कोटेशन फुलफिल हुई। कोटेशन फुलफिल होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि कम से कम एक ऐसा कैबिनेट यूज़ करेंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा RGB फैंस यूज़ करेंगे, लिक्विड कूलर यूज़ करेंगे, रैम कम से कम 32x4 पे जाएंगे, 2TB की 3 NVMe लगेगी और 2TB की 1990 Pro लगेगी, i9 प्रोसेसर होगा। उसके अंदर क्या है कि आपको मदरबोर्ड जो है वो अल्टीमेट चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस चाहिए थे जो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो हम लोगों ने सिलेक्शन किया मैक्सिमस हीरो के साथ में, लेकिन अभी ये सब बातें बाद में चलती रहेंगी। अभी आपको बता देते हैं, ये कैबिनेट है सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इस कैबिनेट से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं, मास्टर फ्रेम 700। मास्टर फ्रेम 700 अगर आप बात करेंगे तो इतना पोर्शन सिर्फ ये एक आता है। इस पोर्शन के बाद ये बैक साइड में SMPS लगने के लिए ये पोर्शन आएगा। बैक साइड में ये वाला पोर्शन ऐड किया जाता है पेज से, नीचे से क्लिप से, यहाँ पे पेज से। उसके बाद ये पावर का भी जो ऑप्शन है, जो आपको USB और ऑडियो दिख रहा है, ये भी दो पेज से टाइट करने का अलग से ऑप्शन रहता है। ये पोर्शन एकदम अलग है जिसे 3 पेच ऊपर और 3 पेच नीचे टाइट किया जाता है। इसमें आप फ्रेम लगा सकते हैं, ये वाटर कूलिंग के हिसाब से रेडी किया गया था, लेकिन इसको हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग फ़ैन यूज़ करेंगे लुक वाइज और बेटर करने के लिए। 360 रेडिएटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी 3 फ़ैन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो मिल जाता है, सारे पोर्शन आपको अलग अलग मिलते हैं, ये पोर्शन, इधर का पोर्शन, ये ग्राफिक कार्ड के लिए, ये पैनल्स जो रहते हैं रेडिएटर के लिए रहते हैं, यहाँ पे हम फैंस के लिए यूज़ करेंगे। इस कैबिनेट को इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं, जैसे आपके सामने ये P5 कैबिनेट रखी हुई है, ये NVIDIA एडिशन था जो हम लोगों ने अपने काउंटर के लिए बिल्ड करके बनाया था, जिससे ये छोटी है साइज में, लेकिन जितनी हमारी ज़रूरत है उन सब चीज़ को फुलफिल करती है। तो ये एक अच्छे बिल्ड के लिए एक कैबिनेट की जो रिक्वायरमेंट थी ओपन केस पे, उसको हम लोगों ने मास्टर केस 700 से, मास्टर फ्रेम 700 से फुलफिल किया है। अब इसी कैबिनेट के साथ में हम आगे की बिल्ड को रेडी करेंगे और इसी में फ्रंट पे ग्लास लगेगा जो यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर होता है। तो ये हो गई अपनी कैबिनेट के इंट्रो। सबसे जानदार बोर्ड आसुस का रोग मैक्सिमस Z790 हीरो, इसको इस सिस्टम पर यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर कितने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वो जब ओपन होगा ना तब आपको पूरा 100% मज़ा आने वाला है। हम लोगों के पास ऑलरेडी ई गेमिंग अवेलेबल था, लेकिन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ई गेमिंग नहीं चाहिए, ई गेमिंग से भी कुछ बेटर चाहिए। और कंपनी पे जो सबसे लेटेस्ट मदरबोर्ड था वो ये था, और ये मदरबोर्ड
आपके सामने है। अब देखते जाइए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। USB की मांग कितनी चाहिए आपको? पूरी कंप्लीट है, 4 3.0 3.1 टाइप सी थंडरबोल्ट सब कुछ अवेलेबल है। वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑडियो, ऑप्टिकल आउटपुट, बायोस रिफ्रेश करने का ऑप्शन मैन्युअली, क्लियर सीमोस मैन्युअली, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तड़क झाम करने की कुछ भी। सब कुछ मदरबोर्ड पे इस तरीके से अवेलेबल है कि आप अच्छे से अच्छा ऑप्शन डायरेक्ट मदरबोर्ड से ले सकते हैं। एक HDMI पोर्ट दिया है इन्होंने, 3 टाइप सी पोर्ट दे दिए हैं। अब अगर NVMe पर आते तो एक NVMe यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, तरीके 4 NVMe प्लेस करने का ऑप्शन है। यहाँ पे USB 3.2 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये स्टार्ट करने के लिए बटन इन्होंने मैन्युअली दिया हुआ है कि अगर आपको स्विच पैनल पे लगाना नहीं आता तो इस बटन को दबा के आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि मदरबोर्ड इतना कैपेबल है इसलिए 8-8 पिन की 2 पावर सप्लाई इसके अंदर दी गई है। साटा इंटरफेस पे आ जाएं तो 6 साटा इंटरफेस आपको बैक साइड में मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ARGB हेडर्स पे अगर हम लोग आए तो 1, 2, 2 ARGB, 3 ARGB, 3 ARGB हेडर भी इस मदरबोर्ड पे हम लोगों को प्रॉपर मिल रहे हैं। अब इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये बॉक्स तो हो गया अपना पूरा खाली। ये अपना आ गया हाइपर कार्ड। हाइपर कार्ड में आपको 2 NVMe लगने का ऑप्शन मिल जाता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये हाइपर कार्ड सिर्फ आसूस अपने मदरबोर्ड के साथ प्रोवाइड कर रहा है, अभी किसी और ने में भी नहीं स्टार्ट किया है। इस जगह पे मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ इसलिए इस पे कोई भी विवाद नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक जितने बड़े बोर्ड हैं उन सब में हम लोगों को हाइपर कार्ड सिर्फ आसूस के मैक्सिमस सीरीज में ही मिला है और उसके ऊपर के सीरीजों में होता होगा लेकिन औरों में नहीं मिला है। और देखें क्या मिला है। आसूस ने भी अपनी एक पेन ड्राइव प्रोवाइड की है जो मे बी सारे ड्राइवर्स की होगी। इसके ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ गेमर स्टेड 2006। और क्या चीजें हैं ये देखिए। एक आपको कीचेन मिलेगी रोक की जिसे आप यूज कर सकते हैं, एक ये स्टिकर्स के मिलेगी, बुकलेट्स मिलेंगे और उसके बाद अगर इसमें देखे जाए तो चूंकि वाईफाई मदरबोर्ड होता है तो एंटीना मिल जाएगा। उसके बाद फैंस के लिए ARGB हेडर, ये टेप दे दिया गया है, टेप कह रहा हूँ, ये आपकी NVMe के ऊपर लगने वाला हीट शील्ड है। उसके बाद इसमें बहुत सारे कनेक्टर्स ऐसे जिनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं लेकिन वर्किंग के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं कि मदरबोर्ड पे। और सबसे अनोखा तो ये देखिए, 4 साटा केबल्स दी हुई हैं जिनका आज के टाइम पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहा लेकिन इस जगह कोई कंजूसी नहीं बरती है। और इसी तरीके की बहुत सारे स्क्रूज वगैरह दे दिए हैं जो स्पेशल टाइप के हैं। सेकंड पार्ट जो अपना इस बिल्ड का रेडी होना है वो है 4090 गेमिंग एक्स्ट्रा जो MSI का मदर ग्राफिक कार्ड है, 24GB का है और 384 बिट का एक कार्ड है। इसको हम लोग पहले भी अपने बिल्ट में यूज कर चुके हैं और ये बिल्ट चूंकि इस तरीके का था, प्रोजेक्ट बेस है और सबसे अच्छी इनको रिक्वायरमेंट थी। आसूस का मैक्सिमम जानते हैं कि स्ट्रिक्स वैल्यू जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, उसकी वजह से हम लोगों को सुप्रीम एक्स पे भी सर्च करना पड़ा, सुप्रीम एक्स पे अवेलेबिलिटी नहीं हुई। तो अंत में हम लोगों ने गेमिंग एक्स ट्रायो जो अब तक के वेरिएंट में कहा जाए तो सेकंड सबसे हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड है सुप्रीम एक्स और स्ट्रिक्स के बाद, तो इसको हम लोगों ने इस बिल्ट में यूज किया है। चूंकि टाइम नहीं होता किसी भी कस्टमर के पास में वेट करने का, ऑप्शन बताइए, अवेलेबिलिटी बताइए, नहीं है तो फिर ये दे दीजिए, तो इसके साथ गए हैं। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, अल्टीमेट सीरीज का कार्ड है गेमिंग एक्स ट्रायो। ओपन कर लेते हैं तभी पता लगेगा कि जो बोला जा रहा है उसमें और करने में कितना अंतर है। ओ अच्छा आ गया अपना शानदार कार्ड। पहले ये ब्रैकेट जो कार्ड को सपोर्ट करेगा, कार्ड सपोर्टर होल्डर, ये वो केबल जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में लोगों की फूक रही थी,
ये दो चीज़ें ये हो गई। अब ग्राफिक कार्ड को निकाल लेते हैं, देखते हैं ये कितना हाहाकारी है और कितना बढ़िया है। वाओ, अब देख के बताइए कोई कमी लग रही है सुप्रीम एक्स या आसुस के स्ट्रिक्ट वर्जन से? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई कमी इसके अंदर भी रखी गई है या कहीं पे कोई कमी कोई काउंट करा सकता है। प्रोडक्ट आपके सामने है, हैवी इतना है कि कम से कम ये मुझे लगता है 2 किलो से कम का नहीं होगा ये ग्राफिक कार्ड। और फैंस की स्पीड भी बहुत अच्छी रखी है, फ़ैन भी प्रॉपर वे के हैं। ये नहीं किया गया है कि फ़ैन के साइज को छोटा किया गया हो, ऐसा कोई भी वर्क नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कस्टमर ने पूरी रिक्वायरमेंट को समझते हुए पावर सप्लाई थोड़ी सी अप ही रखी है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट में। तो ये अपना हो गया प्रोडक्ट ग्राफिक कार्ड 4090 गेमिंग एक्स ड्राइव जो इस बिल्ट में यूज़ होना है। MWE गोल्ड V2 1250 फुली मॉड्यूलर, इस SMPS को हम लोग इस बिल्ट में यूज़ करेंगे। चूँकि फुली मॉड्यूलर है, PCI 5.0 है, 12 वोल्ट HPWR कनेक्टर्स के साथ है। ये सारी चीज़ें नए ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसी वजह से कार्ड की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी पावर सप्लाई अप ही रखी गई है। कूलर मास्टर की गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर है और इसमें हमें इसी तरीके की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इस बिल्ट में इसको यूज़ करेंगे। ML360 लिक्विड कूलर इल्यूजन सीरीज़ का हम लोग इसके अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। इल्यूजन सीरीज़ में अच्छी चीज़ क्या होती है, चूँकि फ्रेम भी कूलर मास्टर का है, इस वजह से ये लिक्विड कूलर जो है इल्यूजन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, जो तीन फ़ैन यूज़ किए जाते हैं, ये तीनों फ़ैन हॉलो फैन होते हैं, डबल साइड रिंग होती है इसके अंदर, दोनों तरफ ARGB रहती है, तो बहुत बेटर लुक निकल कर आता है। और साथ में इसके फ्रेम्स के लिए 6 फ़ैन कूलर मास्टर के ही हम लोगों को ऐड करने, तो सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। SMPS लिक्विड कूलर, कैबिनेट, फैंस, ये सब कुछ कूलर मास्टर का एक साथ रहेगा तो सिंक्रोनाइज होने में आसानी रहेगी। इसी वजह से इस इल्यूजन लिक्विड कूलर को हम लोग इस बिल्ट में यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इनके रैम और SSD पर। चूँकि आज आपको मैं बता दूँ ये 15 अगस्त का दिन है और हम लोग शॉप बंद करके इस काम को कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा हुआ है लेकिन वो अभी तक आया नहीं। 4 RAM इन्होंने 32 GB की मांगी थी, अभी मेरे पास 1 अवेलेबल है, तब तक इसको 1 को आज डाल लेते हैं, जाना ये कल है, तब तक ये रेडी हो जाएगा, कल ये रैमें आ जाएंगी। SSD सबसे मज़ेदार चीज़ समझिएगा, ये WD ब्लू 2 TB की 3 ये लगेगी इस सिस्टम पे, और एक 990 प्रो लगेगी 2 TB सैमसंग की Gen 4 सीरीज़ की। 2 TB की WD ब्लू अभी आनी है, सैमसंग की 990 प्रो वो भी अभी नहीं आई है, तो ये बाकी का काम कल होगा। तब तक ये बिल्ट चूँकि रेडी करना था, काफ़ी टाइम हो चुका था, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से दिक्कत थी। तब तक आज कम से कम पूरा इसका आउटर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे, हार्डवेयर चेकिंग हो जाएगी। इसी वजह से आज 15 अगस्त को खोल के हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सारी चीज़ करीब करीब 80% तक प्रोडक्ट की सारी अवेलेबल है, तो उसको ओके करते हैं। तो अभी सिर्फ इसमें क्या यूज़ होने जा रही है, 2 TB की एक WD की ब्लू NVMe एक यूज़ करेंगे और 32 GB की एक किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट 5200 MHz की उसको यूज़ करेंगे। भाई लोग, इसमें जो अपना प्रोसेसर यूज़ होने वाला है इसके बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं है, क्या प्रोसेसर यूज़ होगा। i9-13900K यूज़ होने जा रहा है जो कि 24 कोर प्रोसेसिंग के साथ में इफेक्टिव कोर एफिशिएंसी कोर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ओपन होते हैं, उसको इस सिस्टम पे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि अभी अगर कंज्यूमर सीरीज़ में जाया जाए तो इससे अपर सीरीज़ का कोई प्रोसेसर नहीं है, चाहे AMD में हो चाहे इंटेल में हो, Xeon सीरीज़ पे अगर ना जाया जाए। अभी सोने की थाली जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस मदरबोर्ड को भी ओपन ही कर लेते हैं। ये लीजिए गोल्डन इलायची का जर्दा है जिसके लिए बड़े बड़े लोग विज्ञापन करते रहते हैं।
इतनी छोटी सी चीज़ 54,000 की हो सकती है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इलायची और जर्दे का विज्ञापन करते हैं वो लोग कितने महंगे पैसे लेते होंगे। इसको प्लेस कर लेते हैं हम लोग। ये अपना प्रोसेसर है i9-13900K। ये क्लिप देखिए कितनी शांति से बाहर आ गई और ये प्रोसेसर का प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद के कार्यक्रम को इसमें फिट करते जाते हैं। धीमे धीमे आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। पहले इसका सारी चीज़ों का समायोजन करना, जो एकत्रित करने के बाद इसको इकट्ठा करना और इसको प्लेस करना। ये सारे वर्क को हम दिखाते हैं थोड़ी देर में, तब तक बने रहिएगा। हम लोग भी धीमे धीमे आज काम करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। छुट्टी का दिन है तो ना जल्दी भेजना है ना जल्दी की इच्छा है। आराम से एक एक पोर्शन को काम करते हुए आपको दिखाते हैं। हेलो गाइज, जो बिल्ट हम लोग रेडी कर रहे थे उसके ऑनर अब अपने साथ अवेलेबल हो गए हैं। रितुल जी, कुछ अपने बारे में इस मशीन के लिए बताइए, किस तरीके से आप पूरा कन्वर्ट होकर इस चीज़ पर आए हैं। बेसिकली मैं मैक यूज़र रहा हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत यही है कि एक बार कुछ अपग्रेड करना हो तो मुश्किल होता है और नामुमकिन सा हो जाता है। तो अभी मुझे अपने कलरिंग के लिए विंची रिसॉल्व के लिए एक सिस्टम कॉन्फिगर कराना था, द बेस्ट ऑफ द मार्केट। इसके लिए मुझे भैया के बारे में पता लगा और इन्होंने हमको एक प्रोजेक्ट के तरीके से काम करके दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान इनका ही इसमें लगा, क्योंकि हमको ज़्यादा नॉलेज है नहीं इन द दिस वर्ल्ड पीसी के बारे में। अगर मैक होता तो थोड़ा बहुत जान रहा था, तो इन्होंने अपना द बेस्ट बना के हमको इस हमारे काम के लिए दिया है। और ये हाई एंड है क्योंकि 24 कोर के ऊपर आपका भी कोई वो आ नहीं रहा है। तो हायर एंड भी है, साथ में आपका जो ग्राफिक कार्ड है उससे ऊपर अभी कोई ग्राफिक कार्ड कम से कम यूज़र एंड पे नहीं है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपकी सिर्फ क्वाड्रो सीरीज आती है। क्वाड्रो जो आपके आएंगे A6000, A8000, वो 48 GB और उसके अबव जाते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनल सिर्फ रेंडर्स वाले व्यक्तियों के लिए रहता है। उस पर आप गेमिंग नाम की चीज़ हल्की फुल्की कर सकते हैं। कभी अगर कोई बड़े गेम खेलना चाहे तो उसके लिए वो नहीं बना है। तो ये जो आपकी बिल्ट की खासियत थी, ये किस तरीके का बिल्ट रेडी करने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ओपन रहे, अगर ये 24 घंटे भी रन की जाए तो किसी भी कंडीशन में हीटिंग की कोई इशू ना आए। और इस ओपन केस के बाद आपको भी ये समझ में आएगा कि चाहे जितना प्रोफेशनल वर्क कर लिया जाए, किसी भी हालत में एक तो एसी चल रहा होगा, उसका एनवायरनमेंट, लिक्विड कूलर लगा हुआ है, फैंस ऑलरेडी हैं जो कि एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन के लिए, इन फैनों का एक तरीके से कुछ भी वर्क नहीं बचा, क्योंकि जो ओपन केस मिलता है उसमें सिर्फ आपका पूरी तरीके से वेंटिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कॉन्फ़िग पे हम लोग आ जाते हैं। इसकी कॉन्फ़िग में जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, i9-13900K प्रोसेसर, मैक्सिमस हीरो Z790, 4090 MSI का गेमिंग एक्सट्रायो, 32 GB की 4 RAM यूज़ करनी है। अभी हमारे पास 15 अगस्त को सिर्फ एक अवेलेबल थी और भैया को बुला लिया गया था, इसलिए रेडी कर दिया गया है।
लेकिन कल इनके घर पे 3 रैमें और प्लेस करानी पड़ेंगी भेजकर। और मज़ेदार चीज़ इसमें और जान लीजिए, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। एक 990 प्रो अपनी सैमसंग की 2TB की NVMe यूज़ होगी, 2 WD की ब्लू 2TB की NVMe यूज़ होंगी, दो होंगी वो 2TB की, दो मतलब 6TB की तो सिर्फ NVMe यूज़ हो रही होंगी, और 2 साटा 4-4TB की SSD यूज़ होंगी। तो स्टोरेज का भरपूर योगदान दिया जा रहा है कि जल्दी कुछ भी दिक्कत ना होने पाए। उसके बावजूद मज़ेदार चीज़ ये बता रहे हैं भैया कि कभी कभी इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क मिलता है कि जब वो वीडियो शूट होता है और उसकी पूरी प्रिपरेशन की जाती है तो 10GB का अकेला एक वीडियो हो जाता है। तो ये जो 6TB और 4-4TB की दो, 14TB जो स्टोरेज हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के हमारे प्रोजेक्ट में कम्प्लीट हो सकती है। तो इनको कुछ अलग ही हमको सोल्यूशन आगे स्टोरेज के लिए देना पड़ेगा, सिर्फ इतना पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करेगा, इनकी प्रोफेशनल जो मैक से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें ये कुछ हेल्प करेगा। इनको मैक से इस तरफ iOS से विंडो की तरफ लाने का एक प्रयास है, जिसमें ये पूरे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से रखा गया है किसी भी काम को करते समय कोई इशू ना आने पाए। और पहले हम लोग इसमें एक मॉनिटर भी सेलेक्ट कर रहे थे, आसूस का कौन सी सीरीज थी, वो प्रो 8 का था, प्रो 8 सीरीज थी, जिसपे हम लोग जाने की तैयारी में थे लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और उसका जो निट्स था वो करीब 1200 निट्स की रेंज में पहुंच रहा था। 1200 निट्स पे इंडिया में कोई भी मॉनिटर किसी भी कंपनी में अवेलेबल नहीं था, सिर्फ वो प्रो 8 सीरीज का ही मॉनिटर अवेलेबल था। लेकिन तब तक इनको जल्दी से जल्दी कुछ ऑप्शन चाहिए था, तो LG की एक सीरीज इन्होंने देखी है, C2 OLED सीरीज पे अभी भैया जा रहे हैं, वो भी नियर अबाउट 155 का मॉनिटर है, और इस मशीन की कॉस्ट करीब बैठी है 5-10 के करीब, और वो 1.5 लाख का मॉनिटर। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पहुँच चुका है, 6.5 लाख के करीब बिल्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी ये बिल्ट जो है अपना किस पर्पज़ में बेटर है, मैक से ये सस्ता ही पड़ा। मैक की आप कंपेटिबिलिटी में जा रहे थे, तो इस कॉन्फ़िग पे आप क्या पहुंच रहे थे? मैक अल्ट्रा पे अगर हम जा रहे हैं तो करीबन 7.5 का मैं खाली वो बैठ रहा था, उसका CPU, हाँ मैक अल्ट्रा स्टूडियो CPU, अल्ट्रा स्टूडियो CPU सिर्फ 7.5 लाख रुपए का था। उसके बाद मॉनिटर की कॉस्टिंग अलग थी, और अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, जो भैया ने इसमें और पैसे बचाए हैं। आप लोग डरिएगा नहीं कि लूट लिया, हमने बचा दिए पैसे, वो कॉन्सेप्ट मत जाएगा कि लूट लिया गया, लूट नहीं लिया गया, ये बल्कि बच गया पैसा यहाँ पे। हाँ, मैक अल्ट्रा भी वो 24 कोर पे उसका प्रोसेसर है जो M2 का आ रहा है। अच्छा, और उसमें SSD कम थी, इससे SSD भी कम थी, उसमें 4TB SSD में कुछ 14 जा रही है इसमें करीबन, तो काफी कुछ सेविंग हो रही है इसमें, काफी कुछ इक्वलिटी तो कम से कम हम प्रोसेसर की कोर पे हाँ, तो आ ही गए। हाँ, बिल्कुल, मदरबोर्ड भी हम लोगों ने डाउनग्रेड नहीं किया। हाँ, रैम भी हम 128GB पर है, स्टोरेज भी 14TB पर हम लोग आ गए हैं, और लिक्विड कूलर यूज ही कर लिया है। ग्राफिक कार्ड 4090 से बेटर अभी कुछ बना नहीं है, तो कम से कम हम लोगों ने जो अचीवमेंट चाहा था कि मैक से विंडो की तरफ लाने का, वो करने में हम लोग कैपेबल रहे हैं। तो गाइज बस बने रहिएगा इसी तरीके के अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट, जो रेगुलर मिलेंगे उनको हम लोग आपको रेगुलर अपडेट करेंगे। 1250 वाट सप्लाई के साथ में ये फुली मॉड्यूलर SMPS यूज़ करते हुए इस बिल्ड को जितना अच्छे से कोशिश की जा सकती थी वो कोशिश की गई है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।